हेलो डियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू अगेन इन दिस न्यू चैनल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू चैनल में। लगातार जो हमारे जो चैनल्स थे और जिसके ज़रिए से आपको सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ के मिलते थे और मैं आपको अप टू डेट रखने का भी कोशिश करता था, और इसी अपडेशंस में कई सारे समस्या भी एक साथ आ गए, कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए, बट सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धीरे धीरे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। और सिंस जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम ही है, आपके इस चैनल का नाम ही है द की ऑफ द सक्सेस, और इसे एक न्यू मॉडर्नाइज्ड वे में अभी से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो अब इसका नाम अब द की ऑफ द सक्सेस इन द रियल लाइफ अब इस चैनल का नया नाम है। नए तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और जो हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे थे, हमारे कई सारे मिशंस हैं और उस मिशंस के साथ ही हम काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ और नए तरीके से के साथ, ताकि आप अप टू डेट रहें और आप जरा सा भी परेशान ना रहें। चैनल सस्पेंड हो गया, कोई बात नहीं, नया चैनल फिर से इस्टेब्लिश हम आपके लिए किए हैं और इस चैनल पर भी आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। एक्चुअली अभी आज कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया था पटना यूनिवर्सिटी का, कल मैंने आपको अपडेट भी दिया था अपने पिछले जो आपके कह सकते हैं कि जो चैनल थे उसके रिगार्डिंग, तो उसके ज़रिए से भी मैंने अपडेट दिया था। बट एक्चुअली आज कई सारे कॉल्स हमारे पास आए, और चूंकि जैसा आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम मेरा आ चुका है, इसके रिगार्डिंग जरा सा इस पर इंटरव्यू जो इस पर जैसा टाइम होता है उसमें मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट में जरा सा मैं अभी जरा सा एग्जैक्टली एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अभी जरा सा मैं स्लो चल रहा हूँ इस पर। बट हाँ गाइज, आप परेशान नहीं होना, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं भी सारे नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूँगा, आप जरा सा परेशान नहीं होइएगा, इसके लिए आप निश्चित रहिएगा। बट हाँ गाइज, आपसे जरा सा और एक से रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमारे सारे फ्रेंड से, हमारे सारे व्यूअर्स के से, कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले चैनल को यानी द की जो की ऑफ सक्सेस था उसको जो सब्सक्राइबर्स थे लगभग उसमें सब्सक्राइबर 26 यानी कह सकते हैं 2600 सब्सक्राइबर के आसपास थे। तो गाइज़, इस चैनल के जो सब्सक्राइबिंग का जो प्रोसेस है इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1000 के सब्सक्राइबर को आपको अचीव कराना है, क्योंकि आप जितना जल्दी 1000 के सब्सक्राइबर को अचीव कराइएगा, हम फिर पोस्ट वगैरह और सारे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, फिर और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है, और यूट्यूब पर वेटेज भी मिलता है विद 1000 सब्सक्राइबर। अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है तो यूट्यूब पर वेटेज वगैरह नहीं मिलता है, आप सर्च वगैरह कीजिएगा तो जनरली सर्चिंग में यह चैनल आपको कम दिखेगा, मतलब नीचे की ओर दिखेगा। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स कि प्लीज़ चैनल को 1000 के सब्सक्राइबर को जरूर जल्द से जल्द अचीव कराएं। और जहां तक बात रहती है कि वीडियो को वगैरह को यानी यूट्यूब अपडेशंस के यानी मोनेटाइजेशन के पॉलिसी वगैरह यानी जो आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो 4000 घंटे का पॉलिसी कंप्लीट हो या ना हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ गाइज, 1000 के सब्सक्राइबर के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए इमीडिएटली, आप चाहिएगा तो एक दिन में सारे सब्सक्राइबर के टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और सो गाइज, प्लीज़ कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर टारगेट विद इन, आपके पास टाइम है, आपके पास डीपी तक का टाइम है, और दशहरा फ्री से एंजॉय कीजिए, इसके लिए आपको जरा सा पैनिक नहीं होना है। हम आपके दशहरे के लिए, हम अपने गांव वगैरह भी नहीं गए हैं आपके वर्क के लिए, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आपको हम विदाउट पैनिक रखे, इसके लिए हम सारे मेले वगैरह सारे ओकेजन्स वगैरह आपके लिए छोड़ दिए हैं, ताकि आप अप टू डेट रहें और आपके लिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आप जरा सा परेशान ना होइए, आप फ्रीली इन्जॉय कीजिए अपने डीपी को, चूंकि जैसे ही आपका फिर ग्रेजुएशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी में, फिर आपके लिए ये जो आपका इंडिपेंडेंसी है ये जरा सा कम हो जाएगा। तो आप अभी इंडिपेंडेंट हैं, आप पूरे ओकेजन्स को फ्रीली इन्जॉय कीजिए, और इन फ्यूचर्स फिर आपके साथ भी फ्यूचर में जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको भी फेस करना पड़ेगा रिगार्डिंग आपके कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग। तो जो भी हो, हम आपके लिए स्टैंड अप हैं, आप जरा सा परेशान नहीं होइएगा। और जो कई सारे व्यूवर्स थे यानी जो मिशन स्पॉट एडमिशन्स वगैरह में अटैच हुए थे, उनको लगा कि भैया क्या चैनल सस्पेंड हो गया, अब तो यूट्यूब पे आएंगे ही नहीं, वैसी कोई बात नहीं, हम आपके लिए सपोर्ट के लिए, हम आपके सपोर्ट के लिए ऑलवेज स्टैंड अप है। सो डोंट वरी एनी टाइम, एंड प्लीज़ मेंटेन इट्स प्राइवेसी। और कुछ जो प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण हमारा पिछला चैनल सस्पेंड हुआ था, वे सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को वैसी गलती से बचाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कितना स्ट्रिक्ट होता है यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस, और वो भी एक ज़रूरी सिचुएशन है, ताकि हैरेसमेंट वगैरह कुछ भी ना हो, तो यह एक अच्छी बात है गाइज। सो अब इस वीडियो को जो भी मेन नोटिफिकेशंस है, कुछ भी नोटिफिकेशंस के साथ यानी जो कुछ अभी मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, आइडियाज़ के साथ बता देता हूँ। मैंने जो हमारा पिछला वीडियोज़ था जिसमें हमने एक वीडियोज़ में आपको बताया था रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिसमें एक नोटिस था कि ऑल एडमिशन्स प्रोसेस आर फर्दर अपडेट्स आफ्टर 18 अक्टूबर 2021 का एक नोटिस था। मतलब आपको बताया गया था कि सारे एडमिशन्स के प्रोसेस 18/10/2021 के बाद चलेंगे। इसमें एडमिशन का जो स्टेटस है आप चेक कर सकते थे, इसमें आप सीट का स्टेटस लाइव भी चेक कर पाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का टारगेट हो
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, देन यू कैन चेक द सीट स्टेटस ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एनी कॉलेज, किसी भी रेस्पेक्टिव कॉलेज में आप सीट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आप चेक करने के लिए फ्री है और चेक करने का प्रोसेस भी पूरा आसान है। अभी मैं उस प्रोसेस को भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कम से कम फ्री रहे कि जो भी कोर्सेस आपके जो भी चॉइसेस हैं उसमें सीट बचे हुए हैं। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करना है जस्ट वन टाइप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट यू हैव टू विजिट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वेबसाइट के विजिट करने के बाद आप उसके एडमिशन पोर्टल वाले सेक्शन पे चले आइए। देखिए हमारा है, आप भी हमारे साथ आइए और यहाँ पे जो एडमिशन्स का जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाइए। यूजी डिग्री वन एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशंस वगैरह यानी कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप मिलता है और यहाँ पे 18-10 वाले पोर्टल पे अपडेट किया गया है। मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया भी है और फिर से वीडियोज़ में आपको सिंपल सा मेमोराइज करा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जब आप आइएगा तो सीट अवेलेबिलिटी वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा और आपको इस पर इस पॉपअप पर आपको प्रेस करना है और इसे फर्दर प्रोसीड कीजिए। इसके बाद देखिए इसमें बताता है लेटेस्ट अपडेट बाई ओनली 10 मिनट, 10 मिनट पहले तक का अपडेट बताता है। आपको डिग्री में देना है जिस डिग्री के लिए देखे लेटेस्ट। सपोज अभी आर्ट्स पेपर में पॉलिटिकल साइंस का सो मच डिमांड है और होना भी चाहिए चूंकि ये सिविल का पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस का ही हम चेक करते हैं। लेट सपोज हम डिस्ट्रिक्ट पटना रखते हैं और पटना के जो तमाम कॉलेजेस हैं उसमें सीट के स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि AN कॉलेज में भी 33 सीट अभी भी बचा हुआ है। अगर बात करें गर्ल्स के लिए JD वुमेन्स कॉलेज, तो JD वुमेन्स कॉलेज में भी अभी 44 सीट्स बचा है यानी अभी सीट बचे हुए हैं। सीट के परसेंटेज के बारे में बात करें तो लगभग 40% सीट्स आर अवेलेबल इन द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑल कॉलेजेस एंड अकॉर्डिंग टू दिस अभी 40% एग्जैक्टली बचे हुए हैं। तकरीबन 1,52,000 के आसपास से मैक्सिमम ज़्यादा सीट्स हैं यानी ऑल ओवर अगर बताएं तो 1,60,000 आप सीट रख सकते हैं कि अभी भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है और इसमें से अभी 40,000 सीट ब्लैंक है, 40,000 सीट्स अभी वैकेंट हैं। तो इस सीट्स पे एडमिशन्स होगा तो आपको निश्चित रहना है, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको जरा सा भी एडमिशन्स के प्रोसेस के रिगार्डिंग में आपको प्रॉब्लम ना होगा। और उधर पटना यूनिवर्सिटी अभी कुछ भी ऐसा न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट नहीं किया है रिगार्डिंग आपको एडमिशन्स प्रोसेस, तो आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी परेशान नहीं रहना है। चूँकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स हैं और हम आपके प्रॉब्लम्स के लिए स्टैंड अप हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए ऑलवेज़ कह सकते हैं कि हम लगे हुए हैं। तो जो भी नोटिस वगैरह आएगा हम आपको बताएंगे और जरा सा भी मन में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि मैं आपका साथ छोड़ दिया। इसके लिए आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और सपोर्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से चैनल के उस टारगेट को पहुंचाना है ताकि टारगेट जितना जल्दी अचीव होगा हम आपके लिए उतना बेटर कर पाएंगे, हम आपके लिए उतना बेटर सर्व कर पाते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे लिए भी, अभी स्टार्टिंग पीरियड से स्टार्ट की है तो हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के सपोर्ट से पॉसिबल है। फिर से गाइज अगर हम दोनों चाहेंगे तो सपोर्ट्स, ये सारे सपोर्ट्स के कारण फिर से अपने चैनल्स को उस मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। सो गाइज वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद और ऑलवेज कीप विद दिस जो न्यू मोटो चल रहा है कि जो टारगेट को अचीव करना है, इस मोटो के साथ प्लीज़ गाइज आप भी वर्क कीजिएगा और हम भी वर्क करेंगे तो फिर सारा कुछ पॉसिबल है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा थिंग्स नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है, आप चाहिएगा तो आप उसे पॉसिबल विद इन जस्ट 1 मिनट में कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सारा वीडियोज हमारे सारे व्यूवर्स को जा सकते हैं। तो गाइज आपको सिंपली द की ऑफ सक्सेस इन द रियल लाइफ पटना खाली आप लिखिएगा, आई एक्सपेक्ट दैट हमारा चैनल आपको शो कर जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं गाइज। वीडियो देखने